साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जहां गांधी जयंती के अवसर पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल विदिशा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मीडिया कर्मियों द्वारा सांसद और मंत्रियों को टिकट दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी बेबाकी दिखाते हुए एक बड़ा बयान दिया। देखे ये रिपोर्ट। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने चुनाव लड़ने की बात को लेकर कहा कि मैं लंबे राजनैतिक जीवन में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मुझे लगता है कि अनुभवी लोगों को प्रदेश की राजनीति में लाना अत्यंत आवश्यक है और जो मुझे आदेश पार्टी से मिला है। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में लगातार 18 वर्ष शासन करते हो गए और ऐसी स्थिति में पार्टी सदैव ये फैसला करती है कि हमें किसे लोकसभा में रखना है, किसे विधानसभा में रखना है। मैं खुद पहली बार जीवन में इतने लंबे राजनीतिक जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मुझे लगता है कि अनुभवी लोगों को राज्य की राजनीति में लाना ये पार्टी का स्वागत योग्य कदम है और मैंने उसका स्वागत किया भी है। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी के द्वारा प्रदेश की राजनीति में किया गया यह प्रयोग आने वाले दिनों में कितना कारगर सिद्ध होता है और प्रदेश की जनता बीजेपी को कितना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।